সরকার গাছ লাগাতে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করে, অথচ পরিবেশ থেকে গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমছে, কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছে সভ্যতা। রাজনৈতিক নেতারা মঞ্চে পরিবেশ বাঁচাতে বড় বড় ভাষণ দিলেও আসলে কোনো লাভ হয় না। শুধু এরাজ্যে নয়, সারা দেশ জুড়ে পরিবেশ ক্রমশ যখন তার ভারসাম্য হারাচ্ছে, তখন পরিবেশ বাঁচাতে পায়ে হেঁটে 28টি রাজ্য ভ্রমণ করছেন কর্ণাটকের মহীশূরের যুবক কৃষ্ণা নায়েক। কৃষ্ণা কর্ণাটকের যোগা শিক্ষক। তিনি বলছেন, বর্তমান সভ্যতার সব থেকে বড় বাধা পরিবেশ দূষণ, তাই প্রত্যেকের উচিত সবার আগে পরিবেশকে বাঁচানোর লড়াইয়ে সামিল হওয়ার। পাশাপাশি শরীর সুস্থ রাখতে যোগা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেই কারণে বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়ে যোগা ও পরিবেশকে বাঁচানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই পায়ে হেঁটে 8টি রাজ্য ভ্রমণ করেছেন তিনি। তার লক্ষ্য, ভারতবর্ষের 28টি রাজ্য পায়ে হেঁটে হেঁটে ভ্রমণ করে মানুষকে পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো। পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে তার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, এরাজ্যে বহু বিখ্যাত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, এখানকার মানুষের আন্তরিকতা তাকে স্পর্শ করেছে। রাজ্যের মানুষ নিশ্চয়ই আগামী দিনে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবে। আগামী 2 বছর ধরে পরিবেশ বাঁচাতে কৃষ্ণা এভাবেই পায়ে হেঁটে ভারত পরিভ্রমণ করবেন। নমস্কার, মেরা নাম কৃষ্ণা নায়েক, মৈসূরু কর্ণাটক স্টেট সে আয়া হুঁ। কর্ণাটক স্টেট সে ফুর কর্ণাটক স্টেট তক মতলব 28 স্টেটস ভারত পরিক্রম কর রহা হুঁ যোগা ওর পর্যাবরণ কে বারে মে। আজ তক 8 স্টেট কমপ্লিট হো চুকে, কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, আন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গান, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, আবি ওয়েস্ট বেঙ্গল চল রে। আজ তক লগভগ 4,500 কমপ্লিট হো চুকে ওর 6 মহিনা কমপ্লিট হুয়া। ये पैदल का प्रमुख लक्ष्य हमारे सारे यूथ्स को, हमारे सारे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए ये पैदल यात्रा कर रहा हूँ। प्रोफेशनली मैं योगा टीचर हूँ। ये पैदल यात्रा करने के लिए 3 रीज़न है। योगा हमारा देश का कला है, हमारा परंपरा है, हमारा गर्व है। इसलिए एक योगा शिक्षक के रूप में हमारे सारे यूथ्स को योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक रीज़न मतलब योग हमारे सारे यूथ्स, हमारे सारे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दौलत है। उनके लिए, उनको सही रूप में योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करें तो हमारा स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा देश भी अच्छा रहेगा। और एक रीज़न, 3 साल के पीछे कोरोना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए थे उस समय में, और दुनिया भर हताहत हुए थे उस टाइम में। मेरे मन में एक सोच आया था, एक योगा शिक्षक के रूप में ये टाइम, ये अच्छा टाइम है हमारे देश के लिए अच्छा काम बनाने के लिए। सोच करने के बाद पैदल यात्रा करने के लिए डिसाइड किया, इसलिए कर रहा हूँ। और आज तक बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, सभी स्टेट में सभी लोग अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हर दिन पैदल यात्रा करने के समय हर स्कूल को विजिट करते हैं और बच्चों को पूरा योगा और पर्यावरण के बारे में ट्रेनिंग करते हैं। मतलब योगा मतलब योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन टेक्निक, पर्यावरण मतलब ये पौधा है ना, बच्चों के हाथ से पौधा लगा, स्कूल आवरण में पौधा लगाए ना, इस तरह अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। और ये और बंगाल और वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पहली बार इधर आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग पूरा स्टेट, पूरा फैमिली मेम्बर तरह ट्रीट कर रहे हो, उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक स्पेशल मतलब हम पुस्तक में पढ़ा वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में। वेस्ट बंगाल स्टेट हमारे भारत में थोड़ा, वेस्ट बंगाल की मिट्टी थोड़ा अलग है, स्पेशल है, क्योंकि महान लोग हमारे देश के लिए दिया, उनको बहुत, वेस्ट बंगाल को बहुत लोग, सभी लोगों को मैं आभारी हूँ। मैं हमारे भारतवासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, हर दिन योगा प्रैक्टिस करिए, हर जगह पर पौधा लगाइए, हमारा देश सुरक्षित रखिए। मैं आज तारकेश्वर से इधर ये तेगरी ग्राम का आया हूँ। आने के बाद सब इधर पूरा व्यवस्था कर, इधर रुकने के लिए यहाँ से कमरापुर से विष्णुपुर से जमशेदपुर, रांची, नॉर्थ स्टेट्स, फिर वापस नई दिल्ली से कश्मीर से फिर वापस कर्नाटका जी, पूरा पैदल। ये पैदल यात्रा पूरा करने के लिए लगभग 2 या 3 साल लग जाएगा। और ये और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रेज योर वॉइस फॉर दिस कैंपेन टू मेक वर सक्सेसफुल। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ आज बांग्ला। এসে গেল বং পিৎজা, আভিজাত্যপূর্ণ বাঙালিয়ানা পরিবেশে সুস্বাদু খাবার নিয়ে আপনার শহরে হাজির বং পিৎজা। ঠিকানাটা অবশ্যই মনে রাখবেন, লিংক রোড, আরামবাগ, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পাশেই। আরামকোণের রাজশাহী পরিবেশে খাবার নাম বং পিৎজা।